नेक्स्ट हमारा कहता है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट होते क्या है, याद रखना। पहले तो हम समझ ले कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं, क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट होते क्या हैं। पहले हम ये मालूम होना चाहिए कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, हमने पहले ही बताया था क्या होते हैं, लिमिटेशन होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेशन। मतलब हमारी फ्रीडम पर क्या लगा दिया जाए, लिमिट लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, लिमिट लगा दिया जाए। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटेशन बोलते हैं। क्या लगा दिया जाए, कॉन्स्टेंट लगा दिए जाते हैं जब हमारे ऊपर, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। किस पर, फ्रीडम पर क्या कर दिया जाए, कुछ कुछ रोक लगा दिया जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए जाए, लिमिटेशन लगा दिए जाए। इसी को क्या कहा जाता है, कह सकते हैं कॉन्स्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता, कॉन्स्टेंट कहलाता है। तो देखो कॉन्स्टेंट, व्हाई डू नीड अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हमारे लिए क्यों आवश्यकता है। देखो तो कॉन्स्टेंट कह सकते, सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जो होगा हमारा सबसे मेन क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर अगर हमें फ्रीडम दी गई है, हमें क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है, तो अब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर लिबर्टी की बात की, याद रखना अच्छी तरह से, अब्सोल्यूट फ्रीडम की बात नहीं करता। कुछ फ्रीडम और लिबर्टी में क्या होते हैं, डिफरेंस भी होते हैं, याद रखना अच्छी तरह से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है, फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है हमारे पास में राइट टू फ्रीडम है, लेकिन जो हमारा प्रियम्बल होता है वो क्या कहता है, लिबर्टी। क्या दिया गया है, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है वो क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी और लिबर्टी है तो मतलब क्या है, इसका मीन स्वतंत्रता, इसका मीन मतलब भी स्वतंत्रता है। क्यों यहाँ पर लिबर्टी शब्द यूज किया गया है, लिबर्टी क्या है, कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक नहीं है जहाँ तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, मतलब हमारे द्वारा किसी को नुकसान ना हो, वहां तक ही हमारी स्वतंत्रता है। हमें इसलिए हमको क्या वर्ड यूज किया गया, लिबर्टी। लिबर्टी में क्या होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट लगे होते हैं, और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं मैं बता चुका। अब देखो व्हाई डू वी नीड ऑफ कॉन्स्टेंट, हमें कॉन्स्टेंट की आवश्यकता पड़ती क्यों है आखिर, तो कॉन्स्टेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो अगर कॉन्स्टेंट नहीं होंगे, सपोज करो लिबर्टी में या किसी की व्यक्ति की लाइफ में कॉन्स्टेंट ना लगाए जाए, तो कॉन्स्टेंट नहीं होंगे तो व्यक्ति क्या होगा, क्या करेगा, एक जानवर की तरह रिएक्ट करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो जो चाहेगा वो करेगा सोसाइटी में, किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं उस पर होंगे जरा सा भी, वो जो भी चाहेगा वो करेगा, जिसको चाहेगा मारेगा, जो भी चोरी करना चाहेगा चोरी करेगा, मन होगा तो कुछ भी करेगा। इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कॉन्स्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या कुछ भी हो, सब कुछ क्या है, कॉन्स्टेंट, हर एक में क्या होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं। एक व्यक्ति को कॉन्स्टेंट के अंदर ही काम करना पड़ जाता है, पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम दी गई है, नहीं, उस पे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत क्या पाबंदी लगाई गई, इस पे कॉन्स्टेंट लगाए गए हैं। अगर कोई लॉ बनाने वाली बॉडी भी है तो उस पर क्या है, कॉन्स्टेंट लगे हैं कि वो किसी के राइट का वायलेशन ना करे। अगर वायलेशन करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि उसको क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो इस तरह हमने देखा कि ये क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हमने देख लिया था, अदर रिगार्डिंग एक्शन देख लिया था हमने। अब देखें गांधी स्वीप क्या था, गांधी ओपिनियन ऑन द लिबर्टीज क्या था, सेल्फ रूल। उन्होंने किसकी बात की थी, सेल्फ रूल की बात की थी। मतलब सेल्फ रूल मतलब क्या था, स्वराज की बात की थी, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी, सेल्फ रूल की बात की थी। इज द वर्ड कैट यूज बाई द गांधी जी टू इंडिकेट कैट लिबर्टी, कि उन्होंने किसकी लिबर्टी के विषय में इंडिकेट किया था इस तरह। लिबर्टी ने कहते हैं ओपिनियन ऑफ सुभाष चंद्र बोस के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या, तुम्हारे में सुभाष चंद्र बोस भी दिए गए हैं यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस कहते से दैट लिबर्टी मीन्स द लिबर्टी ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब किसकी बात करते हैं, जितने भी सेक्शन होंगे सोसाइटी के सबको क्या है, लिबर्टी होनी चाहिए। ऐसे कहता है फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सबके इंडिविजुअल होने चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, जितने भी इंडिविजुअल सोसाइटी के, एज वेल एज से कहता है सोसाइटी, और साथ में सोसाइटी को भी फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम फॉर कहता है रिच, चाहे फ्रीडम फॉर रिच एज वेल एज अ पुअर, किसके लिए, रिच हो चाहे वो पुअर हो, सबके लिए क्या है, फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम फॉर कहता है मेन एज वेल एज कहता है वुमेन, चाहे मेन हो चाहे वुमन हो, वुमेन्स हो, सबके लिए वीमेन्स हो, तो सबके लिए क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड क्लासेस, जितने भी चाहे क्लास हो, कोई भी क्लास का हो, सबके पास में क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल्स हो, सबके पास में क्या होनी चाहिए, उसके पास में फ्रीडम होनी चाहिए। किसने कहा ये, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उन्होंने सबको ले लिया, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे मेन हो चाहे वुमेन्स हो, सबके पास में क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जिसके थ्रू क्या कर सके, वो अपना डेवलपमेंट कर सके। आंग सान सू की कहते फ्रीडम फ्रॉम फियर, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक फ्रीडम, उन्होंने अपना इसमें बताया हर एक चीज़। कहते हैं दीप मेहता ने वाटर पे बताया, उन्होंने जेएसमिन ने ऑन लिबर्टी भी बताया, कैसी फ्रीडम हमारे पास में होनी चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए। अब देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव निगेटिव लिबर्टी ये क्या होती है। देखो निगेटिव लिबर्टी कहता है दिस इज एन कहता है एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन कहता है इंटरफेयर एंड नॉन इंटरफेरेंस इन विच कहता है द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब देखो इसमें क्या है,
किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात, देखो यहाँ पर निगेटिव लिबर्टी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, निगेटिव लिबर्टी की बात की जा रही है, तो ये है क्या, इसको समझना पड़ेगा। देखो है क्या निगेटिव लिबर्टी, देखो निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, हमारे पास में क्या है, निगेटिव लिबर्टी है, निगेटिव लिबर्टी, दूसरा हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी। अब इनको अच्छी तरह समझते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी हमारे पास में, तो ये क्या होते हैं, तो निगेटिव लिबर्टी और ये एक, देखो तो कह सकते हैं इसमें क्या है, फ्रीडम फ्रॉम, निगेटिव मतलब कह सकते हैं लिबर्टी फ्रॉम या फ्रीडम फ्रॉम कुछ भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम, और इसमें क्या है फ्रीडम टू, क्या है कौन से, ये लिबर्टी टू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम, और ये किससे, एक्सटर्नल, ये क्या है एक्सटर्नल, और ये क्या है इंटरनल, ये क्या है इंटरनल, याद रखना लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी मतलब क्या होता है, हमें फ्रीडम होनी चाहिए, किससे फ्रीडम होनी चाहिए, एक्सटर्नल रूल से, किससे एक्सटर्नल रूल पे क्या होनी चाहिए हमारे पास में, फ्रीडम होनी चाहिए। और पॉजिटिव लिबर्टी मतलब क्या है, फ्रीडम टू, हमें फ्रीडम किससे होनी चाहिए, इंटरनल, किससे होनी चाहिए, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से, और ये क्या कहता है, एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन से, इसकी बात करता है। तो देखो यहाँ पे आप समझो, तो निगेटिव लिबर्टी मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति अपना डेवलपमेंट करने के लिए कुछ भी हो, उसके एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन उससे नहीं अप्लाई होने चाहिए, मतलब जो एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन का कह सकते हैं जो सोर्स होगा वो गवर्नमेंट हो सकती है। तो एक व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना डेवलपमेंट करना चाहता है वो क्या करे, कर सके, उस पर किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन पाबंदी ना लगाई जाए, तो ये क्या कहलाता है हमारा, निगेटिव लिबर्टी कहलाता है, मतलब किसी भी तरह से बाउंडेशन ना हो उस पर, वो खुल करके अपने आप को क्या कर डेवलप कर सके। लेकिन अगर क्या किया जाए, अगर कोई पड़ोसी कोई व्यक्ति जा रहा हो, कानपुर जा रहा है सपोज करिए, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करता है उस पर, पकड़ कर उसको घर में बंद कर देता है, घर में हाउस अरेस्ट कर दिया उसे, अब वो कानपुर नहीं जा पाया, तो मतलब क्या है, किसने लगाया, किसने, पड़ोसी ने, जो नेबर था उसको, उसने क्या लगा दिया उस पर, क्या कर ला दिया, बंद कर दिया उसको घर पे, तो उसके क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ, इंटरनल था नहीं, एक्सटर्नल रहा, क्योंकि बाहरी क्या, एक्सटर्नल है, उसने उसको क्या कर दिया, घर में बंद कर दिया, मतलब क्या हो गया, वो कानपुर नहीं जा पाया, मतलब क्या हो गया उसका, वायलेशन हो गया इसका, मतलब क्या था, उसको फ्री रखना, वो जो करना चाहे कर सके, अपने डेवलपमेंट कर सके, अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सके, क्या कहलाता है, निगेटिव लिबर्टी कहलाता है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, इसमें फ्रीडम मिलती किससे मिलती है, इंटरनल से, मतलब क्या था, किससे हो जाए, इंटरनल से हो गया, मतलब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट इसमें व्यक्ति क्या करता है, उसको कंपटीशन की भावना आती है, मतलब किसके तहत रहता है वो, इंटरनल कॉन्स्टेंट पे मतलब लगाए जाते हैं उससे, यहाँ पर एक्सटर्नल से फ्री होना चाहिए, यहाँ पर इंटरनल से फ्री होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट क्या करता है यहाँ, क्या करेगी, अगर एक जॉब निकालती है, जॉब में क्या होना चाहिए, उसको राइट होना चाहिए कि वो क्या करे, कंपटीशन करे, कंपटीशन से क्या करता, अपनी जॉब ले सके। गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए किससे क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके अच्छी तरह से, इसके जो भी राइट्स है, इसको किस में रोजगार का राइट, इसके पास में क्या है, अगर पढ़ाई पूरी कर चुका होता है तो उसको क्या है, राइट, तो उसको पॉस्ट जॉब से मिलनी चाहिए, राइट होना चाहिए उसके पास में, तो ये क्या कहलाते, कह सकते हैं पॉस्ट लिबर्टी कहलाता, और ये क्या कहलाता है, निगेटिव लिबर्टी कहलाता। तो कह दिस इज एन आइडिया, कहते हैं विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी पे रूल ना कर रही हो, कैन कहता है इंटरफेयर एंड नॉन इंटरफेयर, कहते हैं इन दिस कहता है इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, उसके पास में क्या है, राइट होना चाहिए। फिर पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है, इट इज कहता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप, कहता है हिज और कहता है कैपेबिलिटी एंड टैलेंट, अपने टैलेंट को विकसित कर सके, डेवलप कर सके, गवर्नमेंट क्या करे, उसको ऐसे अवसर प्रोवाइड कराएगी, ये क्या कहलाती है हमारी, पॉजिटिव लिबर्टी कहलाती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, क्या कहलाती है ये, पॉजिटिव लिबर्टी कहलाती है हमारी। अब क्या देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 19 से हमने पढ़ा है, वो क्या है हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, जो हमने आर्टिकल नंबर 19 में पढ़ा है पूरा, उसमें दिया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहते हैं देयर आर सेवरल इंसिडेंट्स, कहता है आइडेंटिफाई कर फ्रीडम ऑफ, कहता है एक्सप्रेस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कई तरह यानी कह सकते हैं सेवरल इंसिडेंट है जिसको एक्सप्रेस किया गया फ्रीडम को कई कंट्रियों में, कहता है इट मे बैन, कहता है बुक्स प्लेस एंड फिल्म्स, कहता है राइटिंग बुक्स, कहते स्टेयरिंग प्ले एग्जीबिशन फिल्म एक्सेट्रा, कहते एग्जाम्पल ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब क्या है, हम फिल्म के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, बुक के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज को, व्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कहते हैं फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक फंडामेंटल राइट जो हमारा कौन सा है, आर्टिकल नंबर 19, कहता है इट इज ए, कहता है प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम, कहते हैं दो जो कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड, ये क्या करता है, जो रोकने की कोशिश करते हैं उनको क्या करता है, फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, फ्रीडम ऑफ हमारा एक्सप्रेशन, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। कहते हैं वाल्टर्स स्टेटमेंट कहता है
अब देखो उन्होंने क्या थी, वाल्टर एक इसका एक स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट दिया वाल्टर ने, उन्होंने कहा था इस क्या था वर्थ वाइल कहता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट कहता है इट डिसअपीयर ऑफ व्हाट यू से बट इट विल कहता है डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट, लेकिन ये क्या है हमारा वो हमारा हम क्या क्या डिसअप्रूव किया उनको क्या किया डिसअप्रूव करते हैं कि व्हाट वी से कि हम जो हम कहना चाहते हैं बट इट विल कहता है डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से, लेकिन हमारा राइट है हमको कहना इस, ये क्या हमारा कह सकते हैं इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था वाल्टर इसका स्टेटमेंट था। अब देखो लिबरलिज्म की बात करते हैं, लिबरल वर्ड से बना है लिबरलिज्म। अब देखो ये हमारा लास्ट हेडिंग है, देखते हैं द वर्ड लिबरलिज्म कहता है इसे ओरिजिनेटेड कहता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड कहते हैं लिबरल से बना है, देखो विच मीन्स कहता है फ्री मैन, जिसका मतलब क्या होता है फ्री होना, किसी भी तरह का रूल कॉन्स्टेंट नहीं होने। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म कहता है विच कहता है इमर्ज इन द 19th सेंचुरी कंसीडर फ्रीडम एज ए कहता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनिशियल थिंग्स, कब 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था और जब क्या माना गया था कि ये क्या है हमारे फ्रीडम क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बहुत ही इनिशियल है हमारे लिए। लिबरलिज्म कहता है गिव प्राइम इंपॉर्टेंस टू द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति की फ्रीडम को क्या करता है बहुत ही प्राइम फोकस करता है उस पर। द लिबरल्स कहता है डिफेंड द राइट ऑफ पर्सन टू होल्ड एनी एक्सप्रेस वन ओपिनियन और बिलीफ, अपने बिलीफ अपने आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियंस को हम दे सकते हैं ये हमारे क्या पास में क्या राइट है। एज फॉर एज कहते हैं लिबरल्स आर कंसर्न कहते हैं फैमिली सोसाइटी एंड कम्युनिटी हैव कहते हैं नो वैल्यू इन कहते हैं इन देमसेल्फ, जैसे कि कहा जाता है लिबरल्स आर कहते हैं कंसर्न जो कंसर्न करते हैं कि फैमिली एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी को कहता है उनको वैल्यू नहीं दी जा सकती, कहते हैं नो वैल्यू इन देमसेल्फ उनमें कोई वैल्यू नहीं होती। जी एस मिल ने क्या कहा है टी एस ग्रीन एंड कहते हैं रेनॉल्ड आर्थ कहता है एक्सपोनेंट आप कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म को क्या करते हैं वो बढ़ावा देते हैं। टू एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम कौन कौन से पहलू होते हैं देखो फ्रीडम के, कहते हैं अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट जो हमारे होते हैं, कंडीशन आता कहते हैं पीपल डेवलप देयर कैपेबिलिटीज क्या होती है लोग अपने एक कैपेसिटी को क्या कर सके डेवलप कर सके। इफ देयर एग्जिस्ट टू एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी वी कैन ऑल कहते हैं फ्री सोसाइटी, तो हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी को फ्री मान सकते हैं। इन अ फ्री सोसाइटी कहते हैं ऑल इंडिविजुअल हैव टू कहते हैं एटमोसफियर टू डेवलप देयर एबिलिटीज, फ्री सोसाइटी में क्या हर एक इंडिविजुअल के पास में राइट होता है कि क्या कर सके अपने आप को डेवलप कर सके। देयर विल भी कहते हैं ओनली मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट, सिर्फ क्या होने चाहिए कुछ ही कॉन्स्टेंट लगे होने चाहिए मिनिमम कॉन्स्टेंट होने चाहिए सोसाइटी में। कहते हैं ऑब्रे मेनन कहता है उन्होंने क्या रामायणा कहता है रिटोल्ड इसके विषय में बताया, सलमान रश्दी द सैटेनिक वर्सेस इन सबके विषय में लिखा है, किसके विषय में लिखा है उन्होंने लिबरल के विषय में लिखा है। फिर हम इक्वालिटी के विषय में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे।